आदर्श विद्या मंदिर में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मंदिर में आज अपन कक्षा षष्ठी में कृषि विज्ञान में अध्याय चौथा है वो पढ़ेंगे। अध्याय चौथा पाठ का नाम है जल, जिसको वाटर बोलते हैं। चौथा पाठ है जल। आप जानते हैं हम जिसको सामान्य भाषा में पानी बोलते हैं, जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है। जल ही जीवन है, यानी जल के बिना अपना जीवन अधूरा है। अपन जिनमें कई बार जल का उपयोग करते हैं, जल से ही भोजन का पाचन होता है और जल बहुत सी क्रियाओं में ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल का सूत्र अपन देखें रसायन की भाषा में तो होता है H2O। जल में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। H2O का रासायनिक सूत्र है। जल के उपयोग है अपन पढ़ते हैं, जल के उपयोग सामान्य तौर पर अपन जल पीने के अलावा घरेलू कार्य में भी काम लेते हैं। अपन की दैनिक क्रिया है उसमें लगभग जल का प्रयोग करते हैं। जल एक अच्छा विलयक है। विलयक का मतलब है जल दूसरी सामग्री को दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। जल में एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब है ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। विलायक और विलय मिलकर के दूसरी सामग्री को विलय बोलेंगे। अपन जल को विलय कहेंगे। विलय और विलय मिलकर के विलयन बनता है। सॉल्यूशन उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है विलय और एक होता है विलय। विलय के वो पदार्थ होता है जो विलय को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। विलय वह पदार्थ है जो विलय में घुलता है या विलय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय होता है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलय होता है। जैसे विलय में अपन उदाहरण ले लिया जल का और विलय में उदाहरण ले लिया अपने चीनी का, चीनी शक्कर, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? विलय बन जाएगा। तो जल की मात्रा अधिक होगी, चीनी की मात्रा कम होगी, तो भी विलय बनेगा। जल है वो चीनी को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, अर्थात विलय कहलाता है। विलय जो विलय में घुलता है जिसकी मात्रा विलय में कम होती है वो विलय होता है। तो जल एक अच्छा विलय है। किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है तो घुलनशील पदार्थ है, उसमें घुल सकते हैं। जल का उपयोग हम घरेलू कार्य में करते हैं। घरेलू कार्यों में जल उपयोगी है। अपन पीने के अलावा कपड़ा धोने में जल का प्रयोग करते हैं, नहाने में जल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जल पौधों के लिए पेड़ पौधों के लिए जल आवश्यक है। जीव जंतुओं के लिए भी जीव जंतुओं के लिए जल आवश्यक है। यानी जल पीने के लिए जीव जंतु काम लेते हैं,
पेड़ पौधे भी जल को जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वर्ण नहीं करते हैं, जल की सहायता से वो वर्ण नहीं करते हैं। फल फूल है सब्जियां जितनी भी जल के माध्यम से होती है, जल जरूरी है। जल के बहुत सारे उपयोग है। अपन जल का कितना उपयोग करते हैं एक दिन में, ये आप नोट कीजिए। कोई अपन नए सदस्य है, एक दिन अपन 10 लीटर जल का प्रयोग करते हैं, परिवार कितने सदस्य है उनको जल का कितना उपयोग हो रहा है, फिर एक महीने का कितना जल का उपयोग हो रहा है अपने परिवार में, किसी प्रकार अपने वर्ष का निकाल सकते हैं, एक वर्ष में अपने परिवार में जल का कितना उपयोग हो रहा है, इसी गणना अपन कर सकते हैं। फिर अपने सोसाइटी समाज है उसको कितने सदस्य है, सभी कितने परिवार है उसको कितने सदस्य है, उनकी गणना भी अपन कर सकते हैं। इस प्रकार करते करते अपन पूरे ग्राम पंचायत की शहर की जल की खपत है एक वर्ष की वो अपन निकाल सकते हैं। जल का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है और जल में अपन वर्षा जल का प्रयोग करते हैं और इसकी मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है। ये प्राकृतिक संसाधन है, ये कृत्रिम बुद्धि से बनता नहीं, ये ठहरने के बाद कृत्रिम इसको बना सकते हैं। जल का सही उपयोग कीजिए, जल ही जीवन है। अपन अब देखते हैं जल के स्रोत, जल के स्रोत। यानी जल अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, जल के स्रोत है नदियां, तालाब, झरने, समुद्र, महासागर, ये सब जल के स्रोत है। अपन जब ट्यूबवेल से जल प्राप्त करते हैं, ट्यूबवेल से मिलने वाला जल जल पाइपलाइन के माध्यम से ये जल है वो झरनों और नदियों से प्राप्त होता है अपने को। सॉरी, जल के स्रोत को अपन देखते हैं तो नदियां हैं, तालाब है, झरने, समुद्र, महासागर, ये जल के स्रोत है। इनसे अपन को जल की पूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है, जल प्राप्त होता है। इनके से अपन को जल मिलता है, वो भी इन तालाबों से, नदियों से, झरनों से आता है। मिलने वाला जल है, जल स्रोत है, प्राप्त होता है, जल है स्रोत से प्राप्त होता है। जल पाइपलाइन के माध्यम से अपने घर तक पहुंचता है, वो भी समुद्रों से, नदियों से, तालाबों से, इधर से आता है। तो इनका अपन जो उपयोग करते हैं घर में उनकी मात्रा सीमित है। नदियों में वर्षा जल का जल आता है, वर्षा जल होती है तो नदी मान जाता है, तालाबों में ये नदियाँ हैं वो बारह वर्ष में बारह मास होती है, वो बारह महीने बहती है, उस नदियों को महीने महीने बहती है। नदियों से भी कृषि भी कार्य होता है, इन जल से भी कृषि कार्य होता है, अपने पीने में काम आता है। कृषि कार्य करने के लिए लोग नदियों में जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग है, जल का उपयोग बड़ी मात्रा में कृषि के लिए, खेती के लिए किसान करता है। कृषि उत्पादन में भी होता है, फसल उत्पादन में जल का प्रयोग होता है, यही जल नदियों से आता है या वर्षा ऋतु का जल है उससे अपन किसान खेती करते हैं, खरीफ की फसल करते हैं, रबी की फसल है, वो सब इन ट्यूबवेलों के द्वारा जल के स्रोत है उनसे जल प्राप्त कर देती जाती है। जल के स्रोत है, जल की खपत अपन कितनी करते हैं उसकी मात्रा का अपन गणना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और जल का कितना महत्व है ये अपन सब जानते हैं। जल का सदुपयोग कीजिए और ये जल के उपयोग को ध्यान से समझिए और अपना जितना उपयोग हो उतना जल की खपत कीजिए, अन्यथा जल की बर्बादी आने वाले संकट में समय में संकट साबित हो सकती है। आने वाले समय में जल को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। जल की एक बूंदी कीमती होती है, तो ये जल के उपयोग है और जल के शब्द अपने पटे। धन्यवाद।